वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश में 1225 पदों पर होने वाली भर्तियों की, और इसी के साथ बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की, यहाँ पर क्लर्क स्टोरकीपर के पद भरे जाने वाले हैं। इन पदों के बारे में जानकारी देने से पहले, अगर आप हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से रिलीज की गई पोस्ट कोड 817 मतलब की JOAIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसके लिए 10 मॉक टेस्ट बाय कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के 1756 पद भरे जाने वाले हैं और इसके लिए लगभग 2,00,000 लोगों ने अपना आवेदन कर लिया है, मतलब कि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। तो आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ कि इस मॉक टेस्ट सीरीज में क्या विशेषताएं रहने वाली है, और लास्ट में आपको बताऊंगा यहाँ पर कि मॉक टेस्ट कैसा है और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन हमने लिए हैं। अगर बात करें इस टेस्ट सीरीज़ की विशेषता की, तो यह टेस्ट सीरीज़ JOAIT के नए पैटर्न पर आधारित है। इस टेस्ट सीरीज़ में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, प्रत्येक सेट में आपको 170 क्वेश्चंस मिलेंगे। और अगर बात करें यहाँ पर लैंग्वेज की, तो कंप्यूटर सेक्शन यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में रहेगा, और अगर बात करें जनरल नॉलेज की तो वो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध रहेगा। अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ को बाय करते हो तो आपको यहाँ पर HP GK के 1000 क्वेश्चंस वाली PDF भी बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप इसको बाय कर सकते हैं। तो यह है आपके मॉक टेस्ट 1 की PDF, तो आप इसको बाय कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप इन PDF फाइल को बाय कर सकते हैं। तो आपको यहां पर 10 PDF फाइल मिलने वाली है जो कि आपको WhatsApp या आपके ईमेल ID में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में 74 वेकेंट पद भरे जाने वाले हैं और इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। 74 वेकेंट पदों में से यहाँ पर स्टोर कीपर के 63 वेकेंट पद भरे जाने वाले हैं। यहाँ पर 9 पद भरे जाएंगे SC कैटेगरी से, 4 पद भरे जाएंगे ST कैटेगरी से, और 17 पद यहाँ पर भरे जाएंगे OBC कैटेगरी से। इसके अलावा यहाँ पर 27 वेकेंट पद भरे जाएंगे अनरिजर्व कैटेगरी से, और 6 पद यहाँ पर रिजर्व रहेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों के लिए। अगर बात करें यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन साइंस आइदर इन कॉमर्स, मतलब कि आप साइंस या कॉमर्स ग्रेजुएट होने चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। अगर आपके पास ये डिग्रीज नहीं है और आपके पास अगर डिप्लोमा है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो आप इसके लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट की, तो आपकी एज 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। आपको पे स्केल यहाँ पर लेवल 4 का दिया जाएगा, मतलब कि आपकी यहाँ पर इनिशियल सैलरी रहेगी 25,500 रुपीज पर मंथ। सेकंड पोस्ट यहाँ पर क्लर्क की रहने वाली है और क्लर्क के 5 पद भरे जाने वाले हैं। यहाँ पर एक एक पोस्ट रिजर्व रहेगी SC और ST कैटेगरी के लिए, और एक पद यहाँ पर अनरिजर्व रहेगा। 2 पोस्ट यहाँ पर OBC के लिए रिजर्व रहेगी। इसके लिए आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। बात करते हैं यहाँ पर सेकंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, वो है आपके पास यहाँ पर 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए टाइपराइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर आपकी एज 18 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और आपको यहाँ पर लेवल 4 का पे स्किल दिया जाएगा जो कि 25,500 रुपीस पर मंथ रहता है। थर्ड पोस्ट यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की रहेगी और इसके 2 पद भरे जाएंगे, और दोनों ही पद ये अनरिजर्व रहने वाले हैं। अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आप 10वीं पास होने चाहिए और आपकी जो स्पीड है शॉर्ट हैंड स्पीड आपके इंग्लिश लैंग्वेज में वो 100 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी यहाँ पर 45 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए इन इंग्लिश टाइपराइटिंग। बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट की, तो आपकी एज 18 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और आपको यहाँ पर पे बॉन्ड जो दिया जाएगा वो लेवल 6 का दिया जाएगा, मतलब कि आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी 35,400 रुपीज़ पर मंथ। यहाँ पर बात करते हैं आप फोर्थ पोस्ट की, जो कि रहेगी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की। इसके 4 वेकेंट पद भरे जाने वाले हैं, जिसमें कि एक एक पद यहाँ पर रिजर्व रहेगा OBC और SC कैटेगरी के लिए, और 2 पद यहाँ पर अनरिजर्व रहेंगे। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी मैट्रिकुलेशन, मतलब कि 10वीं पास होने चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ, और आपकी यहाँ पर स्पीड रहेगी 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी में। आपकी एज यहाँ पर कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, और आपकी मैक्सिमम एज यहाँ पर 27 वर्ष रहेगी, और आपकी जो एज कैलकुलेशन होगी वो होगी 27 दिसंबर 2020 को। आपका पे पॉइंट यहाँ पर लेवल 4 का रहेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फीस कितनी देनी होगी। अगर आप आते हो अनरिजर्व OBC या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, तो आपको यहाँ पर देने होंगे 100 रुपीज़। अगर आप आते हो SC ST एक्स सर्विसमैन या आप वुमेन कैंडिडेट हो, तो आपको यहाँ पर कोई फीस नहीं देनी होगी। इसके लिए आवेदन करने का जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 27 दिसंबर 2020, और इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पर जाकर आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में 1225 पदों पर होने वाली भर्तियों की। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में JVT के पद भरने को सरकार ने बैच वाइज काउंसलिंग को हरी झंडी दे दी है। BEd और DLED के विवाद के बीच जिलों को काउंसलिंग करने के निर्देश भी सरकार ने जारी कर दिए हैं। DLED करने वालों को ही बैच वाइज भर्ती में प्राथमिकता देने का फैसला यहां पर दिया गया है। यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन भी है, और 10 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई भी होने वाली है।
तो फाइनली JVT के 1225 पद भरे जाने वाले हैं। और अगर बात करें कि ये पद कैसे भरे जाएंगे, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि 467 जो वैकेंट पद रहेंगे वो हमीरपुर बोर्ड के माध्यम से भरे जाएंगे और इसके लिए नोटिफिकेशन इसी महीने आ जाएगी। सेकंड जो पोस्ट यहाँ पर रिमेनिंग रहती है उनको बैच वाइज भरा जाएगा और बैच वाइज 758 वैकेंट पदों को भरा जाएगा। JVT के 1225 पद भरने के लिए सरकार ने बीते दिनों कानूनी राय ली है। NCTE ने BEd को भी JVT भर्ती के लिए पात्र माना है। प्रदेश के RNP नियमों के तहत JVT करने वालों को भर्ती में शामिल किया जाता है। ऐसे में इस भर्ती को लेकर दुविधा में फंसी सरकार ने कानूनी राय लेने के बाद DLED को प्राथमिकता देने का फैसला यहाँ पर लिया है। इसके तहत JVT के वर्तमान भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार 467 जो पद रहेंगे वो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को यहाँ पर जो अधिसूचना है वो भेज दी गई है और जो रिमेनिंग पोस्ट यहाँ पर है 758 उनको भरने के लिए सभी जिला उपनिदेशकों को वर्तमान भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार बैच वाइज आधार पर काउंसलिंग करने के निर्देश भी सरकार ने दे दिए हैं और सभी जिलों को यहाँ पर शेड्यूल बनाने को कहा गया है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक।